Why you mad? Why you mad? Get glad. Get stop hating on my swag. Why stop hating on my shit. You money like a bitch. Yeah, you fuck a bitch. नमस्कार दोस्तों, गेम स्विथ में स्वागत है। तो भाई लोग, गो वाइप की इवेंट आने वाली है, ट्रिपल थ्रेट। आप सब जानते हैं कि दो दिन में स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या आर्मी यूज़ करनी चाहिए टाउन हॉल 9 में। तो टाउन हॉल 10 में नॉर्मली गो वाइप कोई यूज़ करता नहीं है, बट फिर भी ट्रिपल थ्रेट आ रहा है तो आई थिंक सब कोई यूज़ करने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूं भाई कि आप गोलेम ले लो दो, ठीक है, विजार्ड्स ले लो 16-17 विजार्ड्स ले लो, कुछ वॉल ब्रेकर्स रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको वे बनाना पड़ेगा ताकि आपका जो ट्रूप्स है वो सेंटर में जाए। यहाँ पे पेका मैं ले रहा हूँ 3। तो लेट्स सी ये इवेंट, मतलब ये जो आर्मी है वो कितना काम आता है। तो स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट तो होने वाली है इवेंट, तो मैं सोचा चलो इसकी वीडियो पहले बना के मैं आप सबको बताता हूँ कि आपको कैसे अटैक करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि क्लैन कैसल में भी आप एक गोलेम ले लो। अभी मेरे पास गोलेम है नहीं, तो मैं काम करता हूँ बिना क्लैन कैसल ट्रूप्स के मैं अटैक करने जाता हूँ। यहाँ स्पेल्स मैं आपको दिखा दूँ, तो यहाँ पे मैं 2 रेज स्पेल ले रहा हूँ, 2 हिल स्पेल ले रहा हूँ। आपको नॉर्मली टाउन हॉल 9 पे अटैक करना है या फिर टाउन हॉल 8 पे, क्योंकि आपको इवेंट कंप्लीट करना है, लूट उतना कोई देखता नहीं है। फिर भी अगर लूट में जाना है तो आई वुड रिकमेंड कि आप टाउन हॉल 9 पे ही अटैक करो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपके सामने एकदम लाइव अटैक कर रहा हूँ। ये तो वीडियो है भाई, आपके सामने नहीं हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 गोलेम यूज़ करूँगा, कोई क्लैन कैसल के ट्रूप्स मेरे पास है नहीं। अगर क्लैन कैसल में मैं लेता तो मैं अपना एक गोलेम एंड एक पॉइजन लेता, ताकि ये जो क्लैन कैसल से ट्रूप्स निकलेंगे उनको मैं मारता। तो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, नाम गोइंग इन। तो मैं गोलेम को देखो स्प्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे विजार्ड्स डिप्लॉय करना है एक साथ। यहाँ पे आप अपना वॉल ब्रेकर्स को यूज़ करो, बैड लक कि यहाँ पे ये पेका मेरा बर्बाद कर दिया, बट कोई नहीं। यहाँ पे मैं 3 पेका एंड मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ 1 रेज स्पेल। रेज स्पेल की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ही ज़्यादा गंदी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब जा रहे हैं साइड पे सारे ट्रूप्स, क्योंकि मेरे पास कोई वे नहीं है कि सारे ट्रूप सेंटर में जाएं, बट कोई टेंशन की बात नहीं लग रही है मेरे को। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा हिल स्पेल एंड यहाँ पे मेरे को अभी तक 38% मिला है। मेरा एक गोलेम इधर में मरने जा रहा है, उसकी कोई टेंशन शायद उसको नहीं है कि भाई वो अकेले है। तो यहाँ पे मैंने अपना दूसरा रेज स्पेल भी यूज़ किया एंड यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि आई कैन ईजिली गेट 50+ स्टार। तो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है, देखो मैं जीत गया, मैं आराम से जीत गया। अब 3 स्टार अगर करना है तो आप अर्थक्वेक स्पेल लेके जाओ, ताकि आपकी जो फनल हो वो अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे मेरी आर्चर क्वीन सेंटर में काम अच्छे से कर रही है, बहुत अच्छे से कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्चर क्वीन सेंटर में आ गई, यहाँ पे कोई वैसा डिफेंस बचा नहीं है कि मेरी आर्चर क्वीन को हैम्पर कर सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मली मैं जैसे अटैक करता हूँ मैं वैसे कर रहा हूँ, मेरे पास कोई क्लैन कैसल की ट्रूप्स है नहीं एंड ये मेरे को लग रहा है कि आराम से 3 स्टार हो गया है, आराम से। मैंने अभी तक एक हिल स्पेल यूज़ नहीं किया है, जहाँ मेरी अब देखा होगा आपने कि मेरी जो पहली रेज की जो प्लेसमेंट थी वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, बहुत ही ज़्यादा, बट फिर भी मेरे को ईजिली 3 स्टार ये बेस पे मिल गया है ईजिली। तो आई डोंट थिंक सो कि टाउन हॉल 9 में गो वाइप सक्स, मैं एकदम नहीं मानता हूँ, मैं एकदम भी नहीं मानता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को 3 स्टार ईजिली मिल गया, ईजिली, कोई टेंशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो गो वाइप के लिए ये आर्मी सबसे बेस्ट है, अगर क्लैन कैसल में कोई ट्रूप्स नहीं है, सपोज आप कोई क्लैन में नहीं हो, तो आपको ये आर्मी बहुत बहुत हेल्प करेगी। मैं फिर से अटैक कर रहा हूँ एंड मेरे पास अभी भी कोई भी क्लैन कैसल के ट्रूप्स नहीं है, ठीक है, मेरी आर्मी रेडी है। तो मैं यहाँ पे अपना वारब्रिगेन किंग को जेम कर लेता हूँ, मेरी आर्मी पूरी रेडी है। तो आई एम गोइंग इन अगेन, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक स्पेल मेरे को चाहिए, आई टेक 1 हिल स्पेल। तो यहाँ पे हिल स्पेल आ चुकी है, तो 2 अटैक मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों अटैक मैं देखो टाउन लाइन पे कर रहा हूँ। ये देखो बेस अच्छी खासी बेस है, ठीक है, अच्छी खासी बेस है। इसमें आपको क्या करना है, मेन फोकस आपको किंग एंड क्वीन पे रखना है, किंग एंड क्वीन दोनों मेरा बाहर पे, तो मैं काम कर सकता हूँ क्वीन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मैं अपना एक गोलेम इधर, एक गोलेम इधर एंड आई विल डिप्लॉय ऑल माय विजार्ड्स
सारा विज़ार्ड मैं रखूँगा नहीं, क्योंकि आई हैव सम क्लियरिंग ट्रूप्स, मैं आर्चर्स लेके रखा हूँ आर्चर्स, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे मैं सारा पे का सब कुछ यहाँ पे डिप्लॉय कर रहा हूँ, एंड लेट्स सी ये अटैक कितना हेल्प करता है मेरे को। तो मेरे को पता था सारा मेरा ट्रूप्स इधर ही जाएगा, इसलिए हिल स्पेल मैंने उधर ही यूज़ किया है। ये धोखा हो जा रहा है, ये विज़ार्ड मेरा बहुत काम आ रहा है, नॉट बैड। तो यहाँ पे पेका है, तो मैं अपना रेज स्पेल यहीं पे यूज़ करने वाला हूँ, यहीं पे यूज़ करूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को इसमें भी एक स्टार इजीली मिल चुका है। तो गो वाइप का जो इवेंट है, माइंड ब्लोइंग इवेंट है, आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। इवन विदाउट किंग एंड क्वीन यू कैन अटैक, इवन विदाउट किंग एंड क्वीन, अगर किंग एंड क्वीन आपकी अपग्रेड हो रहा है तो आप छोड़ दो, टेंशन मत लो, आराम से अटैक करो, आपको इजीली एक स्टार मिलेगा भाई, दो स्टार क्या तीन स्टार भी मिल सकते हैं अगर अटैक आपका अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को 54% मिल चुका है। किंग एंड क्वीन अभी भी सेंटर पे हैं, वो नहीं भी रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं रहती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेका है, किंग है, गोलेम है, सबको ही है। तो मैं यहाँ पे अपना एबिलिटी को यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरा मेन प्रॉब्लम अगर आपने देखा होगा तो क्या हुआ कि मेरे विजार्ड्स जो थे वो थोड़े डाइवर्ट हो गए, कुछ विजार्ड्स इधर चले गए, कुछ विजार्ड्स इधर आ गए। तो आई थिंक गो वाइप अगर आपको यूज़ करना है तो जो आर्मी मैं यूज़ कर रहा हूँ टाउन ऑनलाइन पे, आप भी वही आर्मी यूज़ करो। आपको ईजीली मैं बोल रहा हूँ ये इवेंट आप कंप्लीट कर सकते हो। इट्स अ कॉस्टली अटैक, मैं मान रहा हूँ वो कॉस्टली अटैक नहीं है, लेकिन आपको अच्छी खासी अटैक स्ट्रैटेजी हो जाएगी। इवन वार में भी आप ये अटैक कर सकते हो वार में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इजीली मैंने इसमें भी विन ले लिए। तो आई थिंक दिस इज अ गुड आर्मी। अगर आप चाह रहे हो कि भाई पूरा गो वाइप करना है तो ये आर्मी यूज करो। अगर आप नॉर्मल अटैक के साथ अपने कोई ट्रूप्स को यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, बट ये वाला करो, बेस्ट है। लूट भी मिल जाएगी, डार्क एलिक्सर भी मिल जाएगा। डार्क एलिक्सर इसमें आपका सिर्फ गोलेम लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को मिल चुका है 86%। ये मेरा विजार्ड्स थोड़ा डाइवर्ट हो गया, नहीं तो इसमें भी मेरे को 100% इजीली मिल जाता, विजार्ड्स अगर डाइवर्ट नहीं होता। तो यहाँ पे आई हैव गॉट 90%। आप देख लो यहाँ पे 90% मेरे को मिल चुका भाई, 90%। एक विजार्ड अगर इधर आता तो मे बी इसमें भी मेरे को 3 स्टार मिल जाता। यहाँ पे आर्चर टावर की वजह से मेरे को लगता है कि मेरे को 3 स्टार नहीं मिलेगा। तो 95 एंड पॉइजन स्पेल तो भाई कोई काम आएगा नहीं, तो आई विल डिप्लॉय इट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को 99% मिलता है ये अटैक पे। आप देख लो यहाँ पे 97, टाइम खत्म। तो यहाँ पे भाई आई होप कि ये आर्मी आप यूज़ करो। अगर गोवाइप नहीं आता है तो ये वीडियो को देखो एंड आपको समझ में आ गया होगा आपको क्या आर्मी यूज़ करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, हो सके तो शेयर करो, एंड ट्रिपल थ्रेट आ रहा है, इन्जॉय करो, बहुत अच्छी इवेंट आ रही है। मे भी मेरे को लगता है कि 200 गेम्स अपने को मिलेंगे, 200, तो 200 हो भी सकता है, नहीं हो, लेट्स सी कितने गेम्स मिलते हैं वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो आई थिंक वीडियो को लाइक करना चाहिए आपको। तो बाय बाय, सब्सक्राइब कर लो।